मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एडीजी पुलिस मुख्यालय भोपाल में श्रीमती प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष ग्वालियर जोन के जिले के थानों में संचालित ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा महिला संबंधी अपराधों की जिलावर समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में आईजी ग्वालियर अनिल शर्मा, एसएसपी अमित सांघी, शिवपुरी एसपी राजेश चंदेल, डीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार उपस्थित रहे। एडीजी ने बताया कि ग्वालियर जोन के 62 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क संचालित है एवं थानों में संचालित ऊर्जा महिला डेस्क के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा थाने में आने वाली महिलाओं को सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान किया जाता है, जिससे पुलिस के प्रति महिलाओं का विश्वास अर्जित किया जा सके। एडीजी द्वारा एसएसपी के साथ दोपहर बाद ग्वालियर शहर के थाना मधवगंज एवं जनकगंज में संचालित ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया, साथ ही डेस्क में संधारित होने वाले रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। एडीजी द्वारा ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में पदस्थ महिला अधिकारी व कर्मचारियों से चर्चा कर कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी ली तथा समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण करने का आश्वासन दिया एवं ग्वालियर के थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क द्वारा पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइन अनुरूप किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। 3 फरवरी को एडीजी द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष सभागार में ग्वालियर जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें महिला सुरक्षा एवं महिला संबंधी अपराधों में उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। मैम, आपने आज 2 थानों का निरीक्षण किया, क्या खामियां मिली और क्या अच्छाइयां मिली दोनों थानों? पहली बात तो मैं थानों का निरीक्षण नहीं कर रही हूँ। ये जो हमारे महिला ऊर्जा डेस्क की स्थापना की गई है तो इसके साथ साथ कई सारे निर्देश भेजे गए थे, जो नियत है, शासन की मंशा है या पुलिस मुख्यालय, तो ये देखने की ये कैसे चल रहे हैं, क्या इनको पर्याप्त साधन है या नहीं, दोनों ही बातें देखनी होती है। जब हम कार्रवाई देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि क्या हमने उनको साधन संपन्न किया या नहीं, और उसके बाद की भी कितने केसेस आ रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। ये जिसको कहते हैं कि समीक्षात्मक नहीं, सुधारात्मक, इसको मान लीजिए आप, कि अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है तो मैं बताऊंगी कि भाई वरिष्ठ होने के नाते कि ऐसे सुधार किया जाता है। अब तक तो जो देखा बहुत ही ऐसे बॉलीवुड में कार्रवाई बहुत अच्छी हो रही है, और जो रुचि मैंने देखी है, जो पॉजिटिविटी है, तो आप क्योंकि यहाँ के एसपी बहुत सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं तो वो पॉजिटिविटी नीचे तक कर्मचारी तक जाती है। और अभी जो मैं सुन रही हूँ, आपकी भी बात सुन रही कि आपकी भी इसके पहले भी जहाँ गई, तो अपने स्तर पर भी पहल करके जो स्टाफ है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे पहले महिला डेस्क नहीं थी, उसके पहले अपराध ज़्यादा होते थे, जब से महिला डेस्क बनी है उसमें अपराधों में कमी आई है कि नहीं आई है? देखिए, ऐसा होता है कि अपराधों की भी श्रेणी होती है, आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि आप छापते रहते हैं, तो जो जघन्य अपराध है, जो गंभीर अपराध है, जो घरों के अंदर हो रहे हैं, उन पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। पर उसके लिए भी प्रयास है हमारा कि हम ऐसा कुछ एक समरसता, एक सामाजिक जागरूकता लाने का प्रयास करें कि ये घटनाएं घटित ना हों। हम उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ महिला को देवी की तरह पूजा जाता है, तो हमारा प्रयास है कि हम वापस वो एक जो एक परिवार को करता था या होना चाहिए वैसा हो जाए। जो अन्य किस्म के अपराध हैं वो काफ़ी कुछ निश्चित तौर पे कमी आ रही है निश्चित तौर पे, लेकिन जो हम एक स्पाइक बीच में अचानक देखते हैं, जैसे जब कोविड के में बंद के दौरान अचानक से घरेलू हिंसा में स्पाइक हुआ, काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई, यही नहीं पूरे देश में, वो इस वजह से शायद कि घर में ही रह रहे हैं, खाने पीने को नहीं, तो जो भी कुछ परेशानी हुई हो। पर हमारा जो ऊर्जा डेस्क है ये एक परामर्शदात्री का भी काम कर रहा है, और वही मैं इनसे भी चर्चा ही कर रही थी कि जब यहाँ पर लोग आते हैं, पहले बड़े बुजुर्ग समझाते थे, अब वो समझाने का काम हम लोग कर रहे हैं, और यही प्रयास है कि भाई ये जो ताना बाना है हमारे समाज का वो टूटे नहीं, बना रहे, और घटनाएँ ग्वालियर के बारे में मैं कह सकती हूँ कि यहाँ तो काफ़ी घटनाएँ कम हुई हैं, मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण करती हूँ, ग्वालियर की महिला अपराध में काफ़ी कमी। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।